दुमका पुलिस ने जमशेदपुर के गैंगस्टर अमरनाथ सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड के दो आरोपियों को दुमका पुलिस ने टाटानगर जंक्शन से गिरफ्तार किया और कोर्ट में प्रस्तुत कर दुमका ले आई। समाहरणालय स्थित एसपी सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी पीताम्बर सिंह खैरवार ने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना का मास्टरमाइंड राजा शर्मा जो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि अमरनाथ सिंह और राजा शर्मा के बीच जमीन के कारोबार में हमेशा तकरार होती थी। अमरनाथ सिंह द्वारा राजा शर्मा को परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। इसी बीच राजा शर्मा को जब पता चला कि अमरनाथ सिंह अपने परिजनों के साथ देवघर और बासुकीनाथ पूजा करने गया है तो घात लगाकर राजा शर्मा और उसके गिरोह द्वारा बासुकीनाथ के नंदी चौक के समीप 27 जुलाई की रात अमरनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसपी ने बताया कि इस मामले में 6 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिसमें 2 आरोपी दीपक चौधरी और अभिषेक सिंह को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ 31 जुलाई को जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भेज दिया, जबकि एक अन्य आरोपी उत्तम महतो जमशेदपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। दुमका पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। इसी बीच में सूचना मिली कि विशाल सिंह और अजीत मंडल टाटानगर जंक्शन से ट्रेन से बाहर भागने की फिराक में है। पुलिस सक्रिय हुई और सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टाटानगर जंक्शन से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अमरनाथ को गोली विशाल सिंह ने मारी थी। एसपी ने कहा कि इस हत्याकांड के उद्भेदन में शामिल पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा वरीय पदाधिकारी से की जाए। 27 पिछले माह के 27 तारीख को जरमुंडी में घटना घटी थी, जिसमें अपराध कर्मियों द्वारा वहां एक हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में जो शामिल थे उन लोगों को की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। दुमका पुलिस के द्वारा लगातार दबाव के कारण इसमें जो कि सरेंडर किए हैं, वहाँ पर पहले भी टीम बना के दबिश दिया गया, जिसमें दीपक चौधरी उर्फ टेका और अभिषेक सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, उन लोगों के द्वारा हथियार उनके पास बरामद हुआ था। उसके आधार पर एक कांड दर्ज किया गया जमशेदपुर में, जिसमें उनको जेल भेजा गया और साथ ही साथ उनके स्वीकारोक्ति बयान में जिन लोगों का नाम आया उस पर काफ़ी दबिश बनाया गया। दुमका के द्वारा जमशेदपुर में टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, जिससे जिसके फलस्वरूप नामजद अभियुक्त एक उत्तम महतो है, उसने भी अपने पुराने कांड में आत्मसमर्पण किया है। साथ ही साथ लगातार दबिश दिया गया, तो इस क्रम में हम लोगों ने 2 लोगों को जो कि कन्फेशन में आया था नाम, उनको पूछताछ के लिए लाया। पूछताछ के बाद स्पष्ट हुआ कि वो लोग भी शामिल थे उसमें, फिर फलतः उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस तरह से कुल मिला के 2 लोगों की गिरफ्तारी दुमका पुलिस के द्वारा किया गया और एक सरेंडर हुआ है और 2 लोगों को जमशेदपुर पुलिस ने नामजद केस किया है और उनको जेल भेजा है। इस तरह कुल 5 लोगों की संलिप्तता अभी तक सामने आई है। ये जो दोनों पकड़ में आए, अमरनाथ जी जिनकी हत्या हुई है, वो उन लोगों का गैंग वार जैसा जमशेदपुर में है, अलग अलग जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे, तो उसमें आपसी रंजिश था जमीन विवाद को लेकर कि कौन वर्चस्व कायम करते हैं। तो एक राजा शर्मा नाम करके एक नामजद अभियुक्त है, उसके साथ इन लोगों का काफ़ी अदावत चल रहा था और उसी के ग्रुप के लोग आदमी थे। और लोगों द्वारा बताया गया जो भी पकड़ाए हैं कि अमरनाथ के द्वारा उनको हिदायत दी गई थी, बराबर धमकी दिया जा रहा था राजा शर्मा को कि अंजाम बुरा होगा। तो इसी की तरह ये लोग गिरोह में आपस में समझौता किया, आपस में बैठ के ये लोग तय किए कि अमरनाथ को अब रास्ते से हटाना होगा। इसी क्रम में ये श्रावणी मेला में वो अपने परिवार के साथ अमरनाथ आए हुए थे पूजा करने, तो उसी में इन लोग को सूचना मिला, उसके बाद उन लोग घात लगाकर योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की है। गोली किसने चलाई? गोली विशाल सिंह ने चलाई है और भी लोगों का नाम आया है।
जो इसमें भी अजीत मंडल है। हत्या वासुकी रात में हुई, दोनों मारने वाले और मरने वाले दोनों गैंगस्टर हैं, जमशेदपुर कितने टोटल शामिल है? देखिए इसमें अभी तो 5 लोग आए हैं और एक राजा शर्मा छठा व्यक्ति इसमें जो है कि अभी फरार चल रहा है, जिसका हम लोग लगातार जो है उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी भी गिरफ्तारी के पश्चात अगर और भी कोई तथ्य आएंगे तो हम लोग उस पर और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल 6 लोगों का संलिप्तता इसमें मिल रहा है, और भी कोई अगर तथ्य नए आएंगे, चूँकि ये अनुसंधान अंतर्गत है, अनुसंधान के क्रम में अगर कोई बात आते हैं तो फिर और हम लोग आगे आपको बताएंगे। इसमें अपराधियों द्वारा वाहन का भी इस्तेमाल किया गया हो, उसकी बरामदगी हुई है? नहीं, अभी वाहन हम लोग को मिला नहीं है, सब राजा शर्मा के नाम पर ये लोग बोल रहे हैं कि उन लोग को दिया था, सब अलग अलग भाग गए, तो अब उसका गिरफ्तारी के बाद फिर हम लोग उस वाहन को भी ढूंढेंगे और उसको भी इसमें जो घटना में प्रयुक्त हुआ है उसको हम लोग जब्त करेंगे। सर, जो गिरफ्तारी हुई, अपराधियों का अपना संबंध रहता है कि इनसे उठना बैठना है उनका, वो तो अलग बात है, लेकिन प्राइमा फेसी जिनके साथ जो विवाद है, सभी ने कन्फेस कर रहा है कि राजा शर्मा को मारने का धमकी दिया। अपराधियों का किसी के साथ उठना बैठना हो सकता है उनका व्यक्तिगत अपना जिनके साथ रहे, लेकिन अगर संलिप्तता जिनकी रहेगी, अनुसंधान चल रहा है, अगर इसमें और भी कोई लोग शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग उनको भी कानून के दायरे में लाएंगे। देखिए अभी तक तो उनका किसी तरह का कन्फेशन में कोई जिक्र नहीं हुआ है, और हम लोग अगर साक्ष्य मिलता है तो साक्ष्यानुसार कार्रवाई करेंगे, अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य हम लोग को बरामद नहीं हुआ है। क्या बरामद में घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल और 3 जिंदा गोली और 7 खोखा घटनास्थल के पास मिला था, और भागने के क्रम में ये लोग पिस्टल जो है वो फेंके थे, उसको हम लोग बरामद किए हैं, और बस अभी यही मिला है।